गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सत्येंद्र पटेल, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। टुडे वी आर स्टडी अबाउट ऑफ मैथ सब्जेक्ट क्लास 9। इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सो टुडे वी आर स्टार्ट चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। व्हाट इज ट्रायंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल अ शेप ऑफ विच इज सराउंडेड बाई अ थ्री लाइन सेगमेंट। ऐसी शेप जो थ्री लाइन सेगमेंट के द्वारा घिरी हो क्या कहलाता है? हमारा ट्रायंगल्स कहलाता है। ये ट्रायंगल्स का हमारा फिगर होता है। और ट्रायंगल्स हैव अ थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स भी होते हैं 1, 2, 3 एंड द नंबर ऑफ साइड इज 3, 1, 2, 3 एंड थर्ड प्रॉपर्टीज आर देयर, द सम ऑफ ऑल एंगल। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी नो इन वी स्टडी ऑल्सो इन प्रीवियस क्लासेस। सो नाउ वी स्टडी अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। On the basis of angle, triangles are three types. Number one is acute angled triangle. What is acute angled triangle? A triangle in which all angle less than 90 degree. ऐसा triangle जिसमें all angle less than 90 degree, यानी कि 90 degree से क्या हो, छोटे हो, तो क्या कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल ओनली वन इज 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल एक एंगल 90 डिग्री का होगा क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल This is known as a right angle triangle. Third triangle are obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. In obtuse angle triangle, in this type triangle, one angle, only one angle is obtuse angle. कह सकते हैं one angle हो. Only one angle obtuse. तो क्या कहलाएगा हमारा? Obtuse angle triangle कहलाएगा। जैसे ये हो गया हमारा 120 degree का हो गया, तो ये obtuse angle होता है, तो obtuse angle triangle हो जाएगा। ये हमारा हो गया right angle का, तो ये हो गया right angle triangle। और ये हो गया हमारे 30, 60 हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा acute angle triangle। अब हम बात करते हैं on the basis of side। तो first of all आता है हमारा equilateral triangle, equal lateral triangle। equilateral triangle equal का मतलब होता है बराबर, या कह सकते हैं ऐसा triangle जिसमें सारी साइड equal हो। This types of triangle all sides are equal known as a equilateral triangle, जिसमें साइड क्या होंगे हमारे equal होंगी और साथ में all angle are equal, सारे angle भी हमारे equal होते हैं। कितने के होते हैं? 60 degree। सेकेंड आता है हमारा स्लेंट ट्रायंगल। सॉरी आइसोस्कल ट्रायंगल। इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल टू साइड आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारी टू साइड इक्वल हो वो हमारा क्या कहलाएगा? आइसोस्कल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे ये होगी हमारी, इसमें ये साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारी आइसोस्कल्स ट्रायंगल कहलाएगा। और इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं साइड के इक्वल, जो साइड इक्वल होती है वो एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। क्या कहलाएगा हमारा? आइसोस्कल्स ट्रायंगल कहलाएगा। थर्ड एंगल ट्रायंगल आर स्लेंट ट्रायंगल। दिस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, जहां पर हमारी साइड क्या हो इक्वल ना हो, यह कह सकते हैं साइड्स
आर नॉट इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारी साइड क्या हो, इक्वल ना हो, स्प्लैंड ट्रायंगल कहलाता है। स्प्लैंड ट्रायंगल में हमारे एंगल भी सारे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक आता है हमारा आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारी टू साइड क्या हो, इक्वल हो और साथ में क्या हो, वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो क्या लगेगा, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। एंड वी नो वी स्टडी इन दिस चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आर देयर कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज अ सिंबल कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल सेम एंड इक्वल साइड। कह सकते हैं ऐसे फिगर, टू फिगर जिसमें क्या हो, सेप भी हमारी सेम हो, फिगर भी सेम हो, साइज भी सेम हो, क्या कहलाता है हमारा, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है सेम साइज सेम शेप। तो अगर हम बात करें तो टू ट्रायंगल्स हैं, टू ट्रायंगल्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनके जो एडजेसेंट जो साइड होंगी हमारे इक्वल होंगे, एडजेसेंट हमारे एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं जो कॉन्ग्रुएंस होता है कौन कौन से बेस पर कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड, ये साइड इसमें इक्वल है, ये साइड इसमें इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सेकेंड आती है हमारे यानी कि टू एंगल्स इक्वल हो, ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल है, यानी कि टू एंगल्स इक्वल हो, उनके बीच की साइड इक्वल हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। थर्ड आता है हमारा एंगल एंगल साइड, यानी कि टू एंगल्स इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। फोर्थ आता है हमारा एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। ऐसे ट्रायंगल जिसमें हमारे टू साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड हो सकते हैं, एडजेसेंट साइड हो सकते हैं, जो और उनके बीच का क्या हो, एंगल इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा हमारा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और हमारी आती है थर्ड का फिफ्थ आती है आर एच एस, यानी कि टू ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस होने का होंगे जिसमें हमारा राइट हो, राइट का मतलब सीधा होता है, जिसे हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, यानी जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो, हाइट का मतलब ये हाइट हो जाएगी ये वाली, और थर्ड हमारा साइड जो बेस, यानी कि ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, हाइट इक्वल हो और साइड इक्वल हो, क्या कहलाएगा हमारा, तो वो हमारा राइट सॉरी जो आर एच एस होगा जिसमें हमारी राइट एंगल होगी 90 डिग्री का, और हाइट मतलब जो हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और थर्ड हमारा साइड इक्वल हो, तो वहां भी हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन आवर एक्सरसाइज 7.1 एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस सेल्फ। I give you advice, you try to solve exercise 7.1 and in the next video lecture we are to start exercise 7.1. Thank you, have a